आग से खिलाया नहीं जाता। सही बात है ना, कमल सूर्य से खिलता है, आग से खिलाया नहीं जाता, और परमात्मा भी आशिकी से मिलता है, इबादत से बुलाया नहीं जाता। जितनी तुम चाहत रखोगे, जितना प्रेम करोगे, वो उतने ही नजदीक आएगा, और जितना तुम लोगों को दिखाओगे कि मैं भगत हूं, वो उतना ही दूर चला जाएगा। कमल सूर्य से खिलता है, आग से खिलाया नहीं जाता, और परमात्मा भी आशिकी से मिलता है, इबादत से बुलाया नहीं जाता। और मोहब्बत के लिए भी कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो रसाज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है, ये तो वो अनंत प्रेम की धारा है जो सूरदास की भी आंखों में उतर आती है, ये वो चमक है जो अंधों को भी दिखाई दे जाती है, ये वो शब्द ब्रह्म है जो गूंगे को भी महसूस हो सकता है, ये वो चेतना है जो सबके भीतर है, बस निकालने की देर है, बस समझने की देर है, बस जगाने की देर है, बस दिखाने की देर है, सबके भीतर है, वही सबके भीतर है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले, ये भी उसी की कृपा है कि हम उसके लिए कुछ दो शब्द कह पा रहे हैं, कुछ गा पा रहे हैं, नहीं तो गूंगा बना के भेजता, फिर चाह के भी नहीं कुछ कह पाते। इसलिए इस वाणी से ऐसी वाणी बोलिए, ऐसा मीठा बोलो और ऐसा कुछ गाओ, ऐसा कुछ गुनगुनाओ, इस वाणी का सदुपयोग करो। आप चाहो तो वाणी से सत्य भी बोल सकते हो और झूठ भी बोल सकते हो, आप चाहो तो किसी की निंदा भी कर सकते हो और किसी के लिए अच्छा भी बोल सकते हो। ये तो वो वाणी आपको दे दी है, गई है, बस आपको क्या करना है, ये आपके ऊपर है। इसलिए कहा है कि विठ्ठल माझा मी विठ्ठल आजा, कि जब ये दिल दुनिया में था तो दुश्मन हजारों हो गए, जब ये दिल दुनिया में था तो दुश्मन हजारों हो गए, जब ये दिल प्रभु को दिया तो दुनिया के प्यारे हो गए। तुम्हें प्रेम उसी से करना है, फिर सब तुमसे प्रेम करेंगे। आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मैं उससे प्रेम कर रही हूं, इसलिए आप मुझसे प्रेम कर रहे हो। सूरदास जी जिनकी आंखें नहीं थी लेकिन आंतरिक पूरी लीलाओं को दर्शन करते थे, और सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं कोई आंख वाला क्या लिख पाएगा। जो ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन उन्होंने कराया है वो कोई आंख वाला क्या कराएगा। एक बार वो लीला खेल रहे थे, क्योंकि कल हमने भगवान का उत्सव मनाया, माँ कात्यायनी का दर्शन किया जो वृंदावन में, जो ब्रज में है, आज उसी माँ के और दर्शन करते हुए और हम थोड़ा सा प्रेम की अनुभूति करने के लिए ब्रज के कुछ कणों को महसूस करेंगे और फिर कथाओं में और आगे बढ़ेंगे। सूरदास जी ने अपने भीतर एक लीला देखी और लीला में राधा रानी और भगवान कृष्ण होली खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं,